चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक रेलवे पे और हमारे इस पूरे मॉक टेस्ट की सीरीज में। पूरे जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास अभी कराई थी कल, उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने देखी थी क्लास की, नहीं केमिस्ट्री की। थोड़ा सा ना टाइम मिसमैच हो गया था, कुछ बच्चों को लगा होगा रात को क्लास है, कुछ को लगा होगा सुबह क्लास 10 बजे स्टार्ट हुई थी, बट फिर भी क्लास लाई गई थी केमिस्ट्री की, उम्मीद है आप सबने देखा था। और अगर आपने केमिस्ट्री की क्लास देखी थी तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ही आपका एक फिजिक्स का भी लेक्चर आने वाला है नेक्स्ट वीक में, या फिर क्लास के इस वीक के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स का भी लेक्चर मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपकी थ्योरी भी कवर कराई जाएगी। ठीक है, आपको टेस्ट हमेशा देते रहने, जब थ्योरी नहीं हो रही कहने का मतलब कि भैया टेस्ट देने हैं, ठीक है, और जब थ्योरी हो रही है कहने का मतलब टेस्ट नहीं देने। तो अभी हम टेस्ट देंगे पूरे हफ्ते और उसके बाद दोबारा जो है आपका जो है एक थ्योरी का मैराथन लेके आएंगे, है ना। चलिए, मेरी टाइमिंग पे यकीन करो यार, इस वाली टाइमिंग पे तो करना ही पड़ेगा, सुबह 9 बजे वाली में। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी के सभी, है ना, आप स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का ये टेलीग्राम है। और जैसे आप रेगुलर क्लास ले रही है ना, तो रेगुलर क्लासेस में शुरुआत आप गौरव सर से करें, फिर ऐसे करते करते गरिमा मैं मनोज सर रात को भी सभी टीचर्स क्लास ले रहे हैं। मेरी टाइमिंग 9 बजे है। जो बच्चा इवन एसएससी सुपर कोचिंग से देख रहा है वो बच्चा टेक्स्ट बुक रेलवे से क्लासेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना, और बैचेस भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे तेजस बैच में CBT 1, CBT 2, CBAT सब आपको कवर कराया जाएगा। मैं खुद सुबह 10 बजे लेक्चर ले रहा होता हूँ, ठीक है, बैक टू बैक सारे लेक्चर आ रहे होते हैं और पूरी तैयारी कराई जा रही है रेलवे के हर एग्जाम। चलिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, जल्दी से बताइएगा, फिर हम बाकी डिटेल में चीजें लास्ट में सुनेंगे समझेंगे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें, 50 से 60 क्वेश्चन हमें अभी करने हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 8 PM की बोल के, 8 AM की बोल के भाई कराई है मैंने क्लास, वीडियो देख लेते ना, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन फूड चेन, बिल्कुल नए क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ह्यूमन जो है, हम इंसान जो है वो किस श्रेणी में आते हैं, बताइए। फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में हम इंसान किस श्रेणी में आते हैं? हम उत्पादक हैं? जी नहीं, हम तो उत्पादक है ही नहीं, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिक उपभोक्ता हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक उपभोक्ता है? नहीं, हम तो बहुत चीजों का उपभोग करते हैं। सेकेंडरी केवल, हम सिर्फ माध्यमिक उपभोक्ता है। चलिए, तो आम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, ठीक है, दोनों है, सिर्फ नहीं लगा सकते। ओनली वर्ड बड़ा खतरनाक है, खाने वाले हम घास भी हैं, खाने वाले हम बंदा खा जाए, कहने का मतलब हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर्स में आ सकते हैं। ओनली वर्ड बड़ा खतरनाक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना जिसमें ओनली लिखा है, ठीक है, ऑल लिखा है, ये सब फंसने वाले क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बंदा है जिसको हुआ अनेमिया। क्या हुआ? अनेमिया। उसने कहा कि भैया बताओ मुझे किस चीज की कमी है, बताओ। अब आप बताओ किस चीज की कमी है, अगर अनेमिया हो रखा है तो किस चीज की कमी। बेटा वीडियो शेयर कर देना, रेगुलर क्लास है आपको भी पता है, सुबह 9 बजे, और रात को 9 बजे मैं स्टार्ट करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स भी। मैंने आपको वादा 100 चैप्टर का किया है, उसमें इकोनॉमिक्स भी आता है ना, और पूरी जीके आती है, तो पूरी जीके में इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा पोर्शन है। तो आज का पूरा लेक्चर इकोनॉमिक्स पे जाएगा, मजा आ जाएगा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते भी, ठीक है। रात को 9 बजे हर कोई आना जिसको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सीखनी है एक लेक्चर में। चलिए, आंसर है आयरन की कमी, अनेमिया है तो आयरन की कमी। एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भैया इंसान के कितने दूध के दांत होते हैं जो रिप्लेस होते हैं, है ना, वही तो लिख रहा है, द नंबर ऑफ टीथ व्हिच आर रिप्लेस इन मैन। तो ये दूध के दांत होते हैं और रिप्लेस होते हैं, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कितने दांत होते हैं, जल्दी से बताओ भाई, पार्टिसिपेट करो। ओम प्रकाश, प्रदीप, नितिश, निखिल, निधि, जितने भी बच्चे हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक रेलवे वाले बच्चे जितने भी हैं, प्रतीक हो गया, शालीन हो गया, ठीक है, चलिए हो गई। चलिए, 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, दूल्हा जी का दामाद, अच्छा दूल्हा जी का दामाद, लनसेट जो है ये किससे मिलता है, बेटा लनसेट क्या है, जैसे सर्दियों में अलसी के लड्डू नहीं खाते, सर्दियां बहुत ज्यादा हो जाती है तो अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं, थोड़े गर्म होते हैं, वो शरीर के लिए ठीक रहते हैं, दूध के साथ ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो जो अलसी है वो किससे मिलती है,
कैस्टोर से, फ्लैक्स से, ग्राउंडनट से, शीशम से, किससे मिलती है वो अलसी? गुड मॉर्निंग डियर दृष्टि। ठीक है, मुझे मेरी दृष्टि में आम जो है केमिस्ट्री की मैराथन का हिस्सा नहीं थे, जहां तक मुझे लगता है। फ्लैक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। गुड मॉर्निंग साक्षी, एक और क्वेश्चन देखिएगा। फ्लैक्स इस क्वेश्चन का आंसर अलसी सी से मिलता है। HNO3 जब उसके सामने आता है तो वो नॉन मेटल की तरह, ठीक है, बिहेव करता है। अब बताइए कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल की तरह काम करता है अगर HNO3 उसके सामने आ जाए? मतलब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करेगा। तो आंसर के इस क्वेश्चन का SN यानी कि टिन। क्या? SN यानी कि टिन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिए क्वेश्चनों को। देखो SN का ना बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन बन के एक अलॉय बनता है। ठीक है, तो SN के उसी में उदाहरण आते हैं कि वो वहां पे, ठीक है, मेटल की जगह नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तब तो ये यूनिक क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो सीरीज में ये चला रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है और CBT 1 CBT 2 दोनों को, ठीक है, काउंटर करते हुए ये सीरीज है। ठीक है, अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो और मैराथन देख रहे हो बीच बीच में, तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका, साइंस आपकी होगी अच्छे से। ठीक है, इन विच फॉर्म द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे मान लो एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसका टेम्परेचर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। अब बस वही कह रहा है जो सप्लाइड हीट एनर्जी है जो उस टेम्परेचर को बढ़ा रही है। जैसे मान लो पानी को गर्म करने लग रहे हैं, तो जो वो सप्लाइड हीट एनर्जी है वो किस चीज में कन्वर्ट हो रही है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अगर 10 डिग्री था, फिर 20 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, तो हम नीचे से हीट दे रहे होंगे, तभी हुआ ना। और वो जो हीट दी है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? ऊर्जा रूपांतरण का सवाल, आंसर है काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि भैया जो हम हीट दे रहे हैं उसी से वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होंगे। यार पोटेंशियल कैसे होगा जब आप हीट देते हो? तो पानी एकदम नॉर्मली बैठा होता है क्या? ऐसे पानी के पार्टिकल्स ऐसे बैठे होते हैं क्या, ऐसे चौड़े हो के कि मैं नहीं लूंगा, ठीक है, बड़े दमाद जी की तरह या बड़े फूफा जी की तरह, अब नहीं लूंगा कुर्सी से, इधर लाओ जो लाना है। वो तो हिलने लग जाते हैं, ऐसे तड़कने भड़कने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो सिट बैठ जाते हैं एकदम बिल्कुल ऐसे स्थिर, है ना। पोटेंशियल का मतलब होता है किस चीज का बिल्कुल शांति से बैठ जाना, वो तो नहीं होता ना। पानी उबाल रहे होंगे तो बढ़िया से उछल रहे होंगे पार्टिकल्स। कॉमन सेंस पूरी लगानी है। देखो साइंस को ना ऐसे पढ़ना है कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट से पढ़ो, सोचो। फ्लावरलेस प्लांट जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए? जिनके फूल ही नहीं है वो पुष्प काहे के? मतलब वो प्लांट ही कहा है क्या? आंसर क्रिप्टोग्राम्स है। वैसे क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, आप में से किस किसने सच बताना है? जिस जिसने केमिस्ट्री की मैराथन का पोर्शन पढ़ा था, जिसने कल देखी थी वीडियो, थोड़ी बहुत ही सही देखी थी, वो वाला ही असली की। क्योंकि मैंने वंस मोर बहुत कम देखा है, केमिस्ट्री की क्लास में देखा है कम, जीके के मैराथन में देखा है ज्यादा। जीके की भी मैंने रेलवे के लिए मैराथन कराई थी, जीके में मैंने देखा है ज्यादा और केमिस्ट्री में देखा है कम, यानी कि आपने देखी नहीं ज्यादा। ठीक है, देखो यार, क्योंकि आप देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी वीडियो को देखो, आप और भी वीडियोस हैं वो भी लाऊंगा, वो भी देखेगा, देखोगे तो मजा आएगा। जीके की मैराथन इतनी बढ़िया की है ना, ठीक है, ऐसी मैराथन और आएगी, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। किंग ऑफ मेटल कौन सा? ऑब्वियसली गोल्ड इज द किंग ऑफ मेटल। गोल्ड इसे किंग ऑफ मेटल, किंग ऑफ एसिड का पूछा जाता है, H2SO4 होगा। ठीक है, किंग ऑफ एसिड का पूछा जाता है तो H2SO4 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए? जो भी बच्चा सुपर कोचिंग SSC वाले चैनल से क्लास ले रहा है, जो भी बच्चा है, ठीक है, जितेंद्र एनोल जितने भी बच्चे हैं, बेटा आपके ना ऊपर लिंक पे ना एक लिंक दे रखा है। किसका है ये? ये आपका ना टेक्स्ट बुक रेलवे जो चैनल है ना उसका लिंक दे रखा है चैट पे। आप सभी के सभी अभी के अभी जो ना चैट पे जो लिंक दे रखा है ना उससे टेक्स्ट बुक रेलवे पे आके क्लास जो हो रही है उससे लीजिए, क्योंकि ये क्लास इधर रेगुलर नहीं हो रही है। आप सभी के सभी ऊपर चैट पे जो लिंक दे रखा है उसको क्लिक करो, और उसमें जो मैंने लिंक, उसमें जो क्लास चल रही है ना, ठीक है,
वहां से क्लास लो, ठीक है, वहीं पे ये वाली क्लास भी चल रही है। आंसर है इस क्वेश्चन का नेचुरल गैस। अब कहेंगे नहीं, सर गलत, सन सन इज अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, सन पैसे लेता आपसे, बताओ। फिर वही बात कर रहे, बेइज्जती कराने वाली बात, सन तुमसे फोन करके कहता है यार आपका बिल इतना हो गया, मैंने इतनी सूरज की रोशनी भेजी है, भेजो। सन अगर बिजली का बिल लेने लग गया ना, सन का बिल लेने लग गया, कमर्शियल मतलब वही हो गया ना जिसका पैसा होगा, है ना, तो पूरी दुनिया बिक जाएगी 2 से 3 बार, तब एक दिन का बिजली का बिल जमा हो पाएगा अगर सन तुमसे पैसा लेने लग गया। सूरज भगवान है तुम पे एकदम, इतने मेहरबान है, फ्री में रोशनी दे रहे हैं, तुम कह रहे हो ये कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। भाई रिलायंस थोड़ी है, सन है, रिलायंस नहीं है, फ्री में दे रहे हैं सारी सेवाएं। चलिए एक और क्वेश्चन है, नेचुरल गैस है आंसर यार, सीएनजी ये सब जितने भी गैसेस है कमर्शियल सोर्स है यार। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस किसके तरह काम करता है, एक्ट एज द बैरियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हीट को लूज होने नहीं देता, है ना, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इसको ना लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इस क्वेश्चन का आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन बाइल इज स्टोर्ड, बाइल जूस किसमें स्टोर्ड होता है, ठीक है, हाँ सन को बिल, हमारी कहाँ इतनी ऐसे जो हम सन को बिल दे सके, है ना, सन तो गुड, है ना। चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का लीवर, इस क्वेश्चन का आंसर है लीवर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, बोमन कैप्सूल जो है किस सिस्टम का हिस्सा, देखो ये नेफ्रॉन के अंदर होते हैं, ठीक है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं उसके अंदर होते हैं, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा। अब रेगुलर हो जाओ, जितने बच्चे हैं जितना एफर्ट्स लगा सकते हो लगाओ, ठीक है, रात को 9 बजे इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ये ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन में जितनी इकोनॉमिक्स सिखा सकता हूँ, जितना टाइप के क्वेश्चन सिखा सकता हूँ सिखा दूंगा, उसमें से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आप में से जो जो आने वाला है इकोनॉमिक्स की क्लास में, वो रात को 9 बजे यस लिख दो एक बार, स्पेशली कुछ बच्चों के डिमांड्स पे इकोनॉमिक्स का लेक्चर लगाया है, ठीक है, कोई नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स डर के मारे कि भैया इकोनॉमिक्स में बच्चा पता नहीं क्या पूछ लेगा, हमसे पूछो इकोनॉमिक्स में जो पूछना है, बस एक बार यस लिख दो कि रात को 9 बजे इकोनॉमिक्स, 2 दिन में पढ़ाऊंगा, 2 दिन में मैं इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर खत्म कराऊंगा, पढ़ने आ रहे हो, अगर आ रहे हो तो यस लिख देना, मजा भी बहुत आएगा, बहुत तगड़ा सीखोगे, बहुत बढ़िया सीखोगे। आंसर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन का हिस्सा होगा, नेफ्रॉन वॉर्म कैप्सूल है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट विच फॉर्म द आयरन इन डायमेरिक स्टेट, डाय मतलब डबल स्टेट, डायमेरिक स्टेट में इसमें से कौन सा जो है एलिमेंट होता है, आयन फॉर्म करता है डायमेरिक स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डायमेरिक स्टेट में, ठीक है, कौन सा है, ठीक है, एच जी, ठीक है, एच जी। अब आप इतना सभी जानते होंगे, उम्मीद है आप सभी से कि भैया एच जी का आप सभी जाने, Hg2+ लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, तो भैया जो मरकरी है वो डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, आयन सी फॉर्म में, ठीक है, मरकरी जो है डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू, कल केमिस्ट्री के मैराथन में ना ये कैलोरीफिक वैल्यू का टॉपिक मिस हो गया मुझसे, नहीं तो इसमें आपको ये आपको आ जाता होता क्वेश्चन, 30 है वैसे ही इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू, थोड़ी बहुत कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा अभी मैं ना एप्लीकेशन में जीके कवर करा रहा हूँ, जीके कवर होते ही मैं साइंस स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है उसमें मैं जीके कवर करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसी के बाद मैं आपकी साइंस भी कवर कराऊंगा, आप मतलब पेड बैचेस में जब भी आओ अमनदीप कोड यूज कर लो और पढ़ के देखो एक बारी, ठीक है, इस कोड को यूज करना अमनदीप, और सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ते में मिलेगा आपको, ठीक है, और ये यूज करके पढ़ के देखना, वाटर गुड कूलेंट है, ठीक है, एंड जो गाड़ियां हैं जैसे गाड़ी गर्म अगर हो जाती है तो उसमें वाटर एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, बिल्कुल, है ना, सवाल बस इतना पूछा जा रहा है कि जो भी है वाटर एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, ठीक है, क्यों, वाटर की क्या क्वालिटी है ना, नहीं हुए थे अभी क्यून ऑफ कृष्णा, कल नहीं हुए थे सारे टॉपिक, अभी कराएंगे। चलिए बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का जल्दी से, तभी सोचूं कुछ तो छूटा है, क्या छूटा है ये देख,
चलिए, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से जो है वाटर एज अ कूलेंट जो है ये यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, डीएनए इज अ सेल इज विच काइंड ऑफ एसिड? डीएनए क्या है? डीएनए प्रोटीन टाइप है क्या? डीएनए कौन सा एसिड होगा? अब थोड़ा सोच समझ के बताना, डीएनए इन अ सेल इज विच काइंड ऑफ एसिड? थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बी और सी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ध्यान रखना होता क्या है इसमें ना, बहुत बच्चे अमीनो एसिड लगा देते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड लगा देते हैं। बेटा ध्यान रखना, डीएनए अमीनो एसिड नहीं है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? बेटा मेरे को जीके भी खत्म करानी, जीके सब्जेक्ट मेरा ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? जैसे किसी बंदे को टीवी है, वो दे खास, ठीक है, फिर वो खास देने के बाद सब कुछ खास ही देगा, ठीक है, मतलब सबको खास बीमारी देगा। वो खास बीमारी क्या होगी? वो टीवी ही होगी, ठीक है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, टीवी वाले व्यक्ति से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, उससे आसपास नहीं होना चाहिए, ये अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति को टीवी है तो उसको जो सामूहिक क्षेत्र जितने भी हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज ज्वाइंट इज अ हिंज ज्वाइंट? इसमें से कौन सा हिंज ज्वाइंट बताइए, इसमें से कौन सा हिंज ज्वाइंट है ना? कमेंट करो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा हिंज ज्वाइंट है? बेटा वीडियो शेयर करना सभी के सभी, जो भी टेक्स्ट बुक रेलवे पे है वीडियो शेयर कर देना, और एसएससी सुपर कोचिंग से जो देख रहा है बेटा, ऊपर चैट बॉक्स से जो लिंक है उसमें लिंक पे क्लिक करके टेक्स्ट बुक रेलवे से इस क्लास को स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ दिनों में ये क्लास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक रेलवे पे ही दिखेगी, तो आप पहले से ही टेक्स्ट बुक रेलवे से क्लास लो। आंसर एल्बो है यार। देखो हिंज क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भैया एक ज्वाइंट है जिससे ये ऐसे मूव कर रहा है। मैं हमेशा ये एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि भैया हिंज का मतलब ही है, जैसे हमारा गेट है ना, वो गेट हिंज की तरह काम करता है। गेट एक कोना सेट है, दूसरे कोने से आप घुमा रहे हो, ठीक है, वो हिंज है, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, फलों को पकाने के लिए इथाइलिन है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। प्याज हो गया, डेफोडिल हो गया, ट्यूलिप हो गया, लाइक, ठीक है, शलगम, और ये सब जितने भी चीजें हैं ये सब किस टाइप की स्टेम है? आर विच काइंड ऑफ स्टेम? ये किस टाइप की स्टेम है, जल्दी से बताएंगे, बताइए इस क्वेश्चन का। सम भाई मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मेरी तबीयत को क्या है, एकदम ओके रिपोर्ट है भाई। सारी क्लासेस होनी है, डी टी प्लस बी की क्लास होती है 11 बजे, वो भी होनी है, पेड बैचेस भी हैं बीच में, वो भी होने हैं, रात को भी क्लास है 9 बजे इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, आंसर के इस क्वेश्चन का, बल्ब की तरह काम करते हैं, मतलब प्यारे बल्ब की तरह ही है। अच्छा, देखने वाला बल्ब नहीं, जो बल्ब जैसा शेप होता है, ठीक है, मतलब ट्यूबलाइट वाला शेप करने का हो गया। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट विद फाइबरस रूट सिस्टम, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका फाइबरस रूट सिस्टम है? कमेंट करो, बताओ कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका फाइबरस रूट सिस्टम है। हर बच्चे को मेरा एक टेलीग्राम है, अमन सर टेस्ट बुक, वो भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम का नाम क्या है? अमन सर टेस्ट बुक है ना, उसको मिस मत करना। टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक पे सब कुछ अवेलेबल है, मेरी रेगुलर क्लासेस अवेलेबल है, बस सर्च करोगे ना आप, क्योंकि आप मुझसे भी तो कनेक्ट हो गए ना, कॉमन तो है ही है, लेकिन जब मुझसे कनेक्ट होना है तो अमन सर टेस्ट बुक सर्च कर रहा है आपको, और जो बच्चा इसमें जुड़ गया उसको 100 GK के जो टॉपिक है वो भी PDF आराम से मिल जाएगी, और साइंस तो मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वीट इस क्वेश्चन का आंसर है कि फाइबरस होता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड, अगर आग बिजली से लगी तो पानी को नहीं यूज करते उसे बुझाने के लिए, है ना। जस्ट इमेजिन कि भैया आग अगर बिजली से लगी और आप पानी से बुझा रहे हो, आप तो बड़े वाले निकले बेवकूफ, है ना, समझ रहे हो? क्योंकि आप क्यों आप अगर पानी से अगर आग लगी ही बिजली से है तो आप उसमें पानी डालोगे तो बिजली और फैलेगी ना, बिजली तो और फैलेगी, इलेक्ट्रोडक्शन होगा, ठीक है। पानी वैसे भी एकदम बिल्कुल डिस्टिल वाटर नहीं होता, वो थोड़ा सा खारा होता है, थोड़ा सा खारा होता है, थोड़ा सा भी खारा होगा तो बिजली और फैलेगी, है ना। बताइएगा, अगर एक बुलेट है, ठीक है,
अगर गन शॉट हुआ, एक बंदे के बुलेट लगी और हमने उस बुलेट को नहीं निकाला, तो एक जहर फैलेगा, और ये जहर किसकी वजह से फैलेगा? व्यक्ति को बुलेट लगने से इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन बुलेट लगने के बाद जो जहर फैलता ना, उससे नुकसान होता है। बुलेट तो क्षमता के ऊपर डिपेंड करता ना कि व्यक्ति की कितनी देर तक क्षमता है, ठीक है, बचने की, लेकिन वो जो जहर फैलता ना, उस जहर को फैलने से रोकना होता है, क्योंकि वो जो जहर है वो लेड का है और लेड बहुत खतरनाक होता है। लेड कंजम्पशन का अगर देखें ना, तो भैया सबसे खतरनाक चीज लेड है, ठीक है, इन सभी में से। एक और क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में किसका बना हुआ, जो आप बाहर के लिए रहे यूकैरियोटिक सेल्स में, लाइक उदाहरण के तौर पे कोई एक ले लो, ठीक है, प्लांट सेल ले लो, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ? कमेंट करो, बताओ आंसर क्या है, पार्टिसिपेट करो सभी के सभी, ठीक है, फुल पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे आप सभी का। आप जैसे वाला क्वेश्चन है कि भैया किसका है, तो फॉस्फोलिपिड्स का है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स का है, ठीक है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? फॉस्फोलिपिड्स का है। एक और क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोमा इज अ डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पता है ग्लूकोमा किसकी डिसीज है? स्किन डिसीज, लंग डिसीज, लीवर, आईज, और ऐसा क्वेश्चन मिलता। जैसे मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसमें आप फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, इस पेपर के क्वेश्चन और ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन रखे हुएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ज्यादा, है ना, ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आप जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि भाई ग्लूकोमा डिसीज जो है आई डिसीज है, ऐसे आपसे हेपेटाइटिस क्या है, लीवर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, प्लूरा जो है लंग से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण किसी भी चीज का हो सकता है, डिसीज के सुपर उदाहरण है, सुपर कूलिंग स्टैंड फॉर कूलिंग ऑफ लिक्विड एट विच टेम्परेचर, विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पे जो सुपर कूलिंग होती है, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, सुपर कूलिंग किस पॉइंट पे होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सुपर कूलिंग किस पॉइंट पे होती है, सुपर कूलिंग किस पॉइंट पे होती है दोस्तों? आंसर है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से जस्ट नीचे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जीरो मान लो, ठीक है, तो उससे जस्ट नीचे जो है सुपर कूलिंग होती है। एक और क्वेश्चन देख, अगर एक जो प्लांट है उसकी कंपाउंड लीव्स है, मिश्रित पत्तियां हैं, अलग अलग टाइप है, मतलब उदाहरण के तौर पे इसमें से एक कौन सा है जिसकी कंपाउंड लीव्स है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का कोकोनट, ठीक है, और कोकोनट की लीव्स आपको सभी को पता होगा, ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा पूरा पेड़ लंबा ऊपर तक है, उसके बाद पूरे पेड़ पे कुछ नहीं है, बस इधर साइड में जाके होंगी, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लीव्स होंगी, तो ये जो है ना, ये ऐसी लीव्स को कंपाउंड लीव्स कहते हैं। बाकियों के अगर मैं कंपेरिजन में देखू ना, ठीक है ना, बाकियों के कंपैरिजन में देखू तो भैया बाकियों के जो पत्तियां हैं वो थोड़ा सा ना है, तो स्ट्रक्चर पपाया का भी ऐसा है, बट वो कंपाउंड लीव्स नहीं है, ठीक है तो स्ट्रक्चर पपाया का भी ऐसा है कि भैया पपाया का भी सेम वैसा ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें नीचे भी थोड़ी बहुत पत्तियां लगी होती, ठीक है, पीपल में तो है ही सेम ऐसा, बस कोकोनट का बिल्कुल अलग है, ओड वन आउट भी कह सकते हैं। कार्बन पार्टिकल फ्रॉम एयर, हवा में से कार्बन के पार्टिकल हटाने, कैसे हटाया जाए बताइए, है ना, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, पार्टिसिपेट करना सारे के सारे, इंपॉर्टेंट क्लास है, रेगुलर होती है, इस क्लास को कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है, रेगुलर क्लास लीजिए वाली। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से हम, अरे बारिश करने से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन से तुम कार्बन पार्टिकल हटा दोगे, प्रेसिपिटेशन से कार्बन पार्टिकल हटते हैं क्या? ठीक है, नहीं हटते हैं, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक आइडल गैस कौन सा लो ओबे करेगी, कौन सा लो है जो ओबे करेगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेटा जो भी दोबारा बोल रहा हूँ, सुपर कोचिंग एसएससी एंड रेलवे से जो भी बच्चा क्लास ले रहा है, वो आज इस क्लास को इधर से ले रहा है, कल से टेक्स्ट बुक रेलवे से लेना है, ऊपर लिंक भी दे रखा है, चाहे अभी लाइव क्लास टेक्स्ट बुक रेलवे पे भी चल रही है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आगे फॉर फ्यूचर आपकी टेक्स्ट बुक रेलवे पे होंगी, रेलवे वाली, तो उसमें से एक ये वाली भी क्लास होगी, तो अभी से ही टेक्स्ट बुक रेलवे से लाइव आ जाओ, वहां पे भी ये सेम क्लास चल रही है, ठीक है, चलिए आंसर गैस लो है। एक और क्वेश्चन, एट होम टेम्परेचर मेटल डेट रिमेन लिक्विड, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
एट रूम टेम्परेचर मेटल डेट रिमेन लिक्विड इज मरकरी। कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहता है? देखो मेटल का एक्सेप्शन ही मरकरी है लिक्विड के लिए, है ना, मेटल का एक्सेप्शन ही मरकरी है लिक्विड के लिए। तो आंसर है इस क्वेश्चन का मरकरी। ठीक है, मरकरी इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें स्टेम मॉडिफाइड स्टेम नहीं होती। तो आंसर है जो मीठा आलू होता है ना, जैसे शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टेम मॉडिफाइड नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि जो ऑनियन है वो एक स्टेम का टाइप है। ठीक है, अरबी भी एक स्टेम का टाइप है, पोटैटो भी एक स्टेम का टाइप है, मॉडिफाइड स्टेम का, बट स्वीट पोटैटो इज नॉट अ मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन से कि बताइए इस बार से क्या है। केमिकल विच इज यूज इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज किया जाता है और इसको अनेमिया में भी यूज किया जाता है, एंड कैन कोस अनेमिया ल्यूकेमिया। मतलब इससे आयरन की कमी भी हो सकती है और ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर टाइप भी हो सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में इसे यूज किया जाता है। कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि इतना खतरनाक है, बताइए, जो अनेमिया ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां कर सकता है, और आर्ट एंड क्राफ्ट में हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, ये वाले टाइप के क्वेश्चन, लाइक कि भाई इसको इससे बीमारी हो सकती है या नहीं, ये वाले टाइप के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड मिलते हैं। ठीक है, आप बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का। चलिए, तो आंसर के इस क्वेश्चन का है ना, चलिए आंसर है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर है बेंजीन। बेंजीन क्या है? C6H6 है। ठीक है, बेंजीन वैसे भी एक कैंसर का भी कारण समझ लो। ठीक है, तो अनेमिया भी करता है, लुकेमिया भी करेगा फिर, है ना। चलिए, तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडरेट इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री। जो डाइंग नहीं बनाते कलर, ठीक है, हेयर कलर समझ लो, या इस तरीके से, ठीक है, या कपड़ों पे डाइंग जो यूज करते हैं उसका कलर बनाते हैं, तो उसमें एज अ मॉडरेंट क्या यूज किया जाता है? कमेंट करिए, उसमें एज अ मॉडरेंट क्या यूज किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो आंसर है इस क्वेश्चन का मैग्नीशियम सल्फेट। क्या? मैग्नीशियम सल्फेट इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑक्साइड नहीं। यार देखो, तुम ना मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज कर रहे हो, तो ये चीज तो हुई है, लाइन में नहीं यूज होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो राख बनती है सीधी सफेद। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? ये वाला तो कल केमिस्ट्री की क्लास में पॉलीमर के पता नहीं कितने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना। चलिए, तो आंसर के इस क्वेश्चन का सेलुलोस है। इस क्वेश्चन का आंसर नेचुरल जो है सेलुलोस हुआ। ठीक है, नेचुरल क्या हुआ? सेलुलोस हुआ। ठीक है, नेचुरल सेलुलोज है और स्टार्च हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, इतना वहम डाल लिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए, डैश इज अ मेजर कंपोनेंट नेचुरल गैस। देखो, नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट कौन सा है, बताइए। ठीक है, पार्टिसिपेट करिए सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं, और रेगुलरली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, चलो, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई नेचुरल मेजर कंपोनेंट नेचुरल गैस का कौन सा है, मीथेन। ये इधर इसने नेचुरल गैस लिखा है कि बायोगैस लिख सकता था, ठीक, गोबर गैस लिख सकता था, ये कुछ भी लिख सकता था, और आंसर तीनों के मामले में ही मीथेन होता है। ठीक है, तीनों के मामले में ही आंसर क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, तीनों के मामले में, देखिए थोड़ा सा ना सोच समझ के बताना, मेरे को भी समझ नहीं था, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैंने खुद ही नहीं देखा अभी तक। लेट मी सी कि भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द इफेक्ट ऑफ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय टू और मोर केमिकल आर लेस देन द सम ऑफ इफेक्ट और रेस्पॉन्स दैट केमिकल वुड प्रोड्यूस इंडिविजुअली इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा इसमें, देखो इसमें ना एक तरीके से ना एक सब्सटेंस का पूछ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताइए जिसका इफेक्ट ना बाकी
दो तीन केमिकल जोड़ने से भी ज्यादा है। मतलब अगर कोई दो तीन केमिकल अलग से और जोड़े हो, उसका जो इफेक्ट देखेंगे और इसका इंडिविजुअली इफेक्ट देखेंगे, तो ये इफेक्ट ज्यादा होगा। ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए। तो वो क्या होते हैं? होते हैं ना, जैसे अगर मैं कहूँ ना कि भैया रंग डालने वाले, लाइक अगर मैं कहूँ, ठीक है, एंटागोनिज्म जो है उसमें क्या होता है कि ये ना एकदम ना बिल्कुल अपोजिट है। तीन से चार इफेक्टिव चीजें जो है ना, वो भी अगर साथ में आ जाए ना, तो वो भी इसको कंपेयर नहीं कर सकती। एडिटिव नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। एडिटिव तो बस एक कलर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक सब्सटेंस की पावर जो है कंपेयरिंग टू अदर्स दो तीन मिला के भी जो है ज्यादा ही रहती है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक था और लेवल भी बहुत ज्यादा हाई था, है ना। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, एंटागोनिज्म है। ये वर्ड भी आपने सुना होगा इंग्लिश में, ये वर्ड भी एक बार ही को सुना होगा। इस वर्ड का ही सेम आपको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, ठीक है, इंग्लिश में एक बारी को आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, आपके वोकैब में भी होगा ये। चलिए अगर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, बताइए आंसर क्या। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग कैसे करते हैं? उसी हिसाब से होता ना भैया, कम वाट का देना अंकल जी, कम वाट का देना, बिजली ना आ जाए ज्यादा, है ना, बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम रेटिंग उसमें क्या करते हैं, वोल्टेज पे करते हैं, पावर और वोल्टेज पे, उसी से हमारी वैल्यू निकलती है। पावर और वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग होती है। बेसिक है ये, तो ये बेसिक चीज है भाई, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है। पावर और वोल्टेज पे ही हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लिया जाता है। आप कुछ भी देखोगे, आप पी इंटू वी के हिसाब से ही लोगे, ठीक है, आपको वो उसकी वैल्यू निकाल कर देगा कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये करता है, उस हिसाब से आप अप्लायंस को लीजिए। पावर और वोल्टेज के हिसाब से लिया जाता है अप्लायंस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया एंड अदर सब्सटेंस इन ब्लड। जैसे ब्लड है उसमें यूरिया या फिर कोई भी अदर जो है अनवांटेड सब्सटेंस अगर ऐड होता है, एक्युमुलेट होता है, तो वो कौन सी कंडीशन है, बताइए वो कौन सी कंडीशन है इस क्वेश्चन का आंसर के, ठीक है। दत्ता कुलदीप, क्वेश्चन दिख रहा है आपकी नहीं? चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर यूरेमिया कहते हैं इसे, यूरेमिया, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, यूरेमिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर, बार को दिस प्लांट इज कॉन्टेमिनेंट, मतलब मसालों के रूप में यूज किया जाता है। दालचीनी को यूज करते हैं या किसी और को? चलिए दालचीनी को यूज किया, दालचीनी इतना कॉमन है, मसालों के रूप में यूज किया जाता है, और उसका वो दालचीनी किससे मिलता है, छाल से मिलता है ना, तो इसलिए आंसर। कोई नहीं, ये ना कहते कि सर लौंग लग जाएगा आंसर, बेटा लौंग नहीं है आंसर, दालचीनी ही छाल से मिलती है और मसालों में यूज किया जाता है उसे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स विद व्हाट इन ह्यूमन बॉडी। जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारे शरीर में क्या हॉर्मोन्स रेगुलेट करता है, क्या हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं, जल्दी से बताइए। सारे ही सही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो आपकी एंड से एफर्ट होने चाहिए वो लगा रहे हो, ठीक है, बट ना थोड़ा सा ना मैराथन जो लेके आता हो ना, उनको भी देखा करो, है ना। आपने कल परसों में सैटरडे संडे में जिसने जीके वाला मैराथन मिस किया या साइंस वाला मैराथन मिस किया, तो वो भाई बड़ी चीजें मिस कर रहा है। मैं आप अगले हफ्ते भी दोबारा लेके आऊंगा, अगले हफ्ते टॉपिक और बदल जाएंगे, जैसे 8 टॉपिक करा दिए तो अब 8 टॉपिक वो नहीं होंगे, फुल टॉपिक थे वो, एकदम एकदम फुल टॉपिक थे, तगड़ी रिवीजन थी, और केमिस्ट्री का भी जो पोर्शन पढ़ाया था काम का ही पोर्शन था, ठीक है। चलिए आंसर हॉर्मोन्स रेगुलेट करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अ सेकंड पेंडुलम जो होता है, जिसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं, उसका टाइम पीरियड होता है, उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते ही इसलिए क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो होता है 2 सेकंड का, इसलिए उसको सेकंड पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है, टाइम पीरियड ही उसका जो है, ठीक है। अरे मैं टाइमिंग पे ध्यान दूंगा, मेरी रेगुलर टाइमिंग तो हमेशा 9 AM रही है ना, मेरी रेगुलर टाइमिंग हमेशा 9 AM रही है, या रात को जीके के लिए 9 PM रही है। मैराथॉन्स में क्या होता है कि सैटरडे संडे में फिक्स नहीं होती है चीजें, तो बतानी पड़ जाती है, मेरे से गलत बताया गया कल, मेरे से गलत बताया गया इसलिए पंगा पड़ गया। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या है अर्थ पे? चलिए आंसर के देखो, मोस्ट अबंडेंट क्या है, प्रचुर मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन। कोई नहीं, नहीं नहीं सर, और कुछ होना चाहिए। देखो
पहली बात तो ना आप नाइट्रोजन नहीं लगा सकते, वो सिर्फ एटमोसफेयर नहीं कह रहा, उसने कहा एटमोसफेयर, वो तो अर्थ कह रहा है ना, अर्थ कह रहा है ना, वो एटमोसफेयर थोड़ी कह रहा। आप 78% सोच रहे कि भैया 21 से ज्यादा 78% नाइट्रोजन लगा देते आंसर, ऐसे गलती होती है भैया। वो एटमोसफेयर नहीं कह रहा, वो अर्थ कह रहा है। अर्थ में ऑक्सीजन कई तरीकों से पाया जाता है, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन इंटू व्हाट? बायोफर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चल तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है अमोनिया, ठीक है। क्या है आंसर इस क्वेश्चन का? अमोनिया इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। टिश्यू चैप्टर किसको पढ़ना है? अरे मैं पढ़ाऊंगा यार, टिश्यू चैप्टर भी पढ़ाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे इसमें ना ये लॉ पूछा गया है, सिर्फ कह रहा है कि भैया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट है प्रेशर, एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन सा आपका जो है, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम लॉ, कौन सा है जिसमें आपके ये लिखा है प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चे कहाँ पे ज्यादा एक्टिव, एसएससी सुपर कोचिंग वाले पे या टेस्ट बुक रेलवे वाले पे। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है ना? आंसर इस क्वेश्चन ग्राहम लॉ है, ये क्वेश्चन गलत होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज एनिमल कवर? ये पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ये पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। हार्डेस्ट पार्ट इन द सेंस कि भैया क्राउन ऑफ टूथ है, ठीक है, और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। चीनी इसे भी खराब कर देती है। शुगर जो है, हमारे जो शुगर होते हैं ना, उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, और शुगर इतने हार्डेस्ट पार्ट को भी खराब कर देता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बेकिंग सोडा? कल हमने केमिस्ट्री में सब पढ़ा है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, एप्सम सोल्ट, ठीक है, कोस्टिक सोडा, कोस्टिक पोटैश, ये हर एक चीज हमने कल केमिस्ट्री के मैराथन में पढ़ी है, ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का सोडियम बाइकार्बोनेट। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था बी से बी याद रखना है। अगर आपको डाउट भी हो ना कि सोडियम कार्बोनेट लगना है या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसमें ध्यान रखना बी से बी का पढ़ना, कल बताया था पूरा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कोमोस सीड्स आर द सीड विद बच, मतलब जो कोमोस सीड्स होते हैं ना, जैसे आप कोई भी ऐसा सीड देखो जिसके हेयर्स है, मतलब हेयर्स ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हमारे वाले हेयर्स, वैसे अलग से हेयर टाइप भी कह सकते हो, तो ऐसे सीड्स को हम कोमोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे सीड्स जिनके बीज होते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली, ये नहीं करना है, ये अलग टॉपिक आ गया। 50 क्वेश्चन हम आज कर ले रहे हैं, 50 हो ही जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस? एम्पलीफायर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है बताइए, एम्पलीफायर के रूप में कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दूंगा, हमेशा रेगुलर पीडीएफ आती है, तो आज भी आ जाएगी आपकी रेगुलर पीडीएफ। जो एसएससी सुपर कोचिंग रेलवे के बच्चे हैं, जो टेलीग्राम है उसमें जुड़ जाओ, या फिर अमन सर टेक्स्ट बुक वाले पे जुड़ जाओ, ठीक है ना। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में काम किया जा सकता है। कैपेसिटर कैसे एम्पलीफायर हुआ? कैपेसिटर तो यार सिंपल पंखे वंखे में लगाते, उससे एम्पलीफाई कैसे कर लोगे? व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन वाटर द सोल्यूशन बिकम कोल्ड चेंजेस। जैसे अमोनियम क्लोराइड को हम पानी में डालते हैं ना, सोल्यूशन जो है कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, तो वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या सुपर कूलिंग हुई, बताइए आंसर क्या? ये फाइनल क्वेश्चन है, हम 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम 50 क्वेश्चन डेली करते हैं, मतलब हमारा मॉक टेस्ट ही 50 क्वेश्चन का होता है। आप 25 25 के हिसाब से समझ लो, ये एलपी का
या फिर अलग एग्जाम्स का दे रहे हो तो 20-20 के हिसाब से समझ लो। समझना आप पे डिपेंड करता है, हमारे एंड से 50 क्वेश्चन डेली, ठीक है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का एंडोथर्मिक। तो अभी आप क्या करो, मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेस्ट बुक, सर्च कर लेना, सभी के सभी टेलीग्राम सर्च कर लेना, अमन सर टेस्ट बुक, हर एक बच्चा, जितने बच्चे हैं सर्च कर लेना, ठीक है? देखो जैसे आप टेलीग्राम सर्च करते हो उसके साथ साथ आपको ना ऐसा है कि आपको पीडीएफ भी समय पे चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना? हर चीज आपको मिल जाएगी, आपको बाकी क्लासेस भी अवेलेबल करा दी जाएगी, जैसे गौरव सर, गरिमा मैम, मैं, परो सर, बाकी सारे आप जितने भी बच्चे एसएससी सुपर कोचिंग से क्लास ले रहे हो, वो टेक्स्ट बुक रेलवे का ऊपर लिंक दे रखा है आप ही के चैट बॉक्स पे, उधर भी ये क्लास लाइव चल रही है। सब्सक्राइब कर लो, पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना सभी के सभी, उधर भी क्लास चल रही है, उस क्लास को ओपन करो, उसे एक्सेस करो और जुड़ जाओ, ठीक है? जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? बाकी देखो यार, अच्छे बैच लेना आपके लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि सर बहुत कम बच्चे जो है धीरे धीरे बच्चे जो है निकलते हैं बेटा, वो बैच में पहुंचते हैं, ध्यान रखना है इस चीज का, वो बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, वो बैच में पहुंच चुके हैं, उन्होंने मौके को यूज किया, वो बैच में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बैच की फीस भी कम रखी है हमने, तो हमारे साथ बच्चा बैच में भी पढ़ना पसंद कर जाता है क्योंकि फीस बहुत कम है। आप भी उसी में पढ़ सकते हो क्योंकि पूरी टीम के साथ एक टारगेटेड एग्जाम अमनदीप कोड यूज करके जुड़ सकते हो आप उसमें। जैसे मान लो आपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सर्च किया, ठीक है? उसमें जब आप जुड़ोगे ना तो आपको ना एग्जाम में रेलवे के स्पेशली बैच मिल जाएंगे, जैसे एएलपी का बैच जो मिलेगा ना, अभी जैसे वो एएलपी का बैच है तो उसमें टेस्ट भी अवेलेबल है, जितने टेस्ट चाहिए, ठीक है? रैंकिंग आपकी हो जाती है टेस्ट में, एक्सप्लोर करोगे तो आपको, ठीक है, पूरे बैचेस भी मिल जाएंगे, ये बैचेस हैं आपके, ठीक है? आप इसमें ना CBT 1, CBT 2 और CBAT सबका फीस एक साथ दे रहे हो, और वो फीस कितनी है, इतनी फीस है बस, ठीक है? अप्लाई कूपन कोड में ये भी हटा देना, अमनदीप कोड लगा देना और फीस कम हो जाएगी, और टीचर्स भी आपके अवेलेबल है। देखो टीचर्स आपके ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे मान लो आपने एनरोल किया, तो आप एनरोल कर रहे हो तो आपको टीचर्स भी बहुत सारे मिलेंगे, टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में, ठीक है? तो आप टेस्ट भी देख सकते हो, ठीक है ना? चल, तो आप जितने बच्चे हैं सभी टीचर से पढ़ सकते हो, बैच सारे हैं, रात को 9 बजे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है? तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। अमनदीप कोड यूज करने का फायदा क्या रहेगा कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे और फीस आपकी कम हो जाएगी, और CBT 1, CBT 2 और CBAT यानी कि तीनों लेवल का आपको मिल जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब आपको इतनी कम फीस में कोई नहीं देने वाला। फीस मैटर नहीं करती, मैटर करता है पूरी टीम, जितने टीचर आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं उससे ज्यादा ही टीचर आपको पेड बैचेस में मिलेंगे, ठीक है? आपकी चॉइस होगी, आप जिससे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, और मेरी गारंटी है मेरे बैचेस हमेशा सुबह 10 बजे होते हैं, तो मेरे सुबह 10 बजे बैच चल रहे हैं। टेलीग्राम भी सर्च कर लेना, मेरा टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक, उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी, ठीक है? हर बच्चा, जितने बच्चे हैं अभी क्लास लाइव चल रही है, लाइव क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी, जितने बच्चे देख, ठीक है ना? और कमेंट बॉक्स पे अपना इनपुट जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक करके, ठीक है, शेयर करके जाइएगा सारे के सारे। ओके बाय, धन्यवाद आप सभी।